हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, करारी और चटपटी नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मुरमुरे की नमकीन, जिससे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर गर्म होने के लिए, और 2 से 3 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ उसमें। तो जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालने वाले हैं मूंगफली। 1 कप मैंने ये मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली। और अब इसको हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला है मूंगफली को फ्राई करने के लिए, बस 2 से 3 चम्मच। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये फटने लगा है, चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, मूँगफली हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप निकालें जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो इसमें हो वो साथ में ना आए। तो मूँगफली को हमें निकाल लेना है। ये देखिए, हमने मूँगफली निकाल ली है। तो अब उसी में हम डालेंगे ये मखाना। तो 1 कप मैंने मखाना लिया है और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है बिल्कुल भी। उसी बचे हुए ऑयल में मैंने मखाने को भी फ्राई कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है और इस पर आप स्पॉट्स भी देख सकते हैं। तो ये बस हो गया है, 3 से 4 मिनट इसको भी लगते हैं। इसको भी हम निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। तो अब सेम कढ़ाई में ही हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ इसमें। आप नॉर्मल अपना जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमा रखा है, बिल्कुल लो कर दिया है। इसी समय हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो इस समय अगर आप नमक डालते हैं तो ये अच्छे से कोट हो जाता है मुरमुरे में। और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 2 से 3 सेकेंड ही इसको हमें पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा। और गैस की फ्लेम को आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं इस समय। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपने मुरमुरे को। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप मुरमुरा इसमें डाल दीजिए। और अच्छे से नीचे से इसको चलाना है, वरना जो नीचे हल्दी और मिर्च है वो जल जाएगी। तो अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पर। इसको चलाते ही रहना है, बीच बीच में इसे छोड़ना नहीं है, वरना मुरमुरा बहुत ही जल्दी जलने लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं चाट मसाला। तो मैं ये 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया चटपटा इससे टेस्ट आएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ी सी मिठास चाहते हैं तो 1 चम्मच के करीब इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी। तो ये चलाते हुए हमने अच्छे से इसको पका लिया है। और ये देखिए, एकदम बढ़िया और एकदम करारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं मैश करके भी दिखा रही हूँ आपको। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये फ्राई की हुई मूंगफली और मखानों को। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ में ही। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। और 1 कप मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये बिल्कुल बारीक वाले सेव, सेव की जो नमकीन आती है वो। और 1/2 कप मैं डाल रही हूँ ये खारी बूंदी, जो मसाले वाली बूंदी आती है वो डाल रहे हैं। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने बंद करके ही रखा है। तो अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमारी नमकीन बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे सुबह या शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेसिपी को आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलूँगी मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।